करेंगे कि अगर आप किसी बड़ी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहते हैं जो अपना सेल प्रिस्क्रिप्शन एथिकली ब्रांडेड बेसिस पे करती है, कैसे ले सकते हैं। हम अपने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं कि अगर आपको होलसेल ड्रग लाइसेंस लेना है तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे लाइसेंस लेने के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ले सकते हैं किसी भी कंपनी की। डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने के लिए हर कंपनी का थोड़ा अलग अलग प्रोसीजर रहता है, सेम भी रहता है, कुछ डिफरेंस भी होता है, सबका अपना ही पैटर्न होता है डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने में। जो प्रोसीजर वो फॉलो करते हैं उनकी पॉलिसी के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो किस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। डिफरेंट भी होता है कि वो सेल्स टीम के थ्रू करते हैं, सीएनएफ के थ्रू करते हैं या फिर ऑनलाइन पैरिज के थ्रू करते हैं। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा या ना मिलेगा इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे आपका वैकेंट है या नहीं है उस टेरिटरी में जहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, उस कंपनी का स्टॉकिट है या नहीं है। अगर ग्राउंड लेवल की बात करें हम इस मामले में, तो जो सेल्स टीम है वो एक मेजर रोल प्ले करती है किसी भी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने में। अगर आप ऑनलाइन क्वेरी भी सबमिट करते हैं तब भी वो सेल्स टीम या सीएनएफ के थ्रू ही जाता है, क्योंकि सीएनएफ और सेल्स टीम को ज़्यादा पता होता है कि किस डिस्ट्रीब्यूटर की रेपुटेशन मार्केट में कैसी है, इसलिए कंपनी उन पर फेथ करती है। अगर ऑलरेडी उस एरिया में कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जो काम कर रहा है और कंपनी के पास कोई स्कोप नहीं है कि उनको कोई और डिस्ट्रीब्यूटर रखना है, वहाँ पे स्टॉकिस्ट बनाना है, तो वो आपको की क्वेरीज को अनआंसर्ड भी रख सकती है, रिफ्यूज भी कर सकती है। मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा उधर से। डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले होलसेल ड्रग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। वीडियो का जिस वीडियो में हम ये इस मामले में डिस्कस कर चुके हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जब भी किसी कंपनी के पास कोई क्वेरी आती है या सेल्स टीम किसी को सजेशन देती है, सीनियर सजेशन देती है, तो कंपनी अपने प्रोसीजर के हिसाब से उस पॉलिसी को प्रोसीजर को फॉलो करती है। सेल्स टीम वहाँ पे विजिट करे या सभी ऑनलाइन ही हो, डॉक्यूमेंट्स एम आर जाए या सीएनएफ जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाए, जो भी उसका फॉर्मेलिटीज हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट वगैरह है रेडी किया जाए, कॉन्टैक्ट फॉर्म या जो अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया जाए, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन या स्टॉकिस्ट दे दी जाती है। अगर स्टेप वाइज हम बात करते हैं कि क्या प्रोसीजर रहेगा, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है होलसेल ड्रग लाइसेंस। होलसेल ड्रग लाइसेंस एंड जीएसटी नंबर बहुत ज़रूरी होता है अगर आप फार्मा में होलसेल या डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। उसके बाद एक लिस्ट बना लीजिए कंपनी की जिनका आप इंटरेस्टेड हैं काम करने में, जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन लेने में आप इंटरेस्टेड होगा, उनके कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ढूंढिए। आप उनकी सीएनएफ की, सेल्स टीम की, या उनको उनकी वेबसाइट या एडवर्टाइजमेंट में आपको मिल जाएगी, या दूसरे सोर्सेज जो आपको जानते हैं उनसे ले सकते हैं। उनके बाद उनको कॉन्टैक्ट करिए, उनकी वेबसाइट पर अगर क्वेरी फॉर्म है तो उसको फिलअप करिए। कंपनी अगर इंटरेस्टेड होगी आपके को स्टॉक स्ट्रिप देने में तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, नहीं होगी तो वो आपसे नहीं करेगी, क्योंकि स्टॉकिस्ट और कंपनी आपस में भी म्यूचुअल बिजनेस पार्टनरशिप से जुड़े होते हैं। कंपनी को अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर की क्लास होती है और डिस्ट्रीब्यूटर्स को अच्छी कंपनी की क्लास होती है। दोनों का काम किसी के बिना नहीं चल सकता। कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने में जो उसने पॉलिसी रेगुलेट की गई है, जो पॉलिसी बनाई है, उसके थ्रू काम करती है। वो अपनी सेल्स टीम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं या ऑनलाइन क्वेरीज के थ्रू करते हैं, ऑनलाइन चैनल से चलते हैं, ये कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। उसके बाद अगर उनको डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लिया जाता है, उसके बाद फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाता है, कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में डिस्ट्रीब्यूटर का एग्रीमेंट तैयार किया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो फाइल होती है वो कंपनी के अपर स्टाफ पे जाती है, जो मैनेजमेंट के पास जाती है। वहाँ से अप्रूवल लेना भी ज़रूरी होती है, वो चेक करते हैं कि जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो सही है या नहीं है, रेपुटेशन कैसी है या कैसी नहीं है। उसके बाद अगर कोई स्टॉकिस्ट है उसे आपका स्टॉक ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, अगर रिप्लेस कर रहे हैं स्टॉकिस्ट, अगर नए हैं तो आपको स्टॉक इशू कर दिया जाएगा। ये भी कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। पेमेंट टर्म कैसी है वहाँ पर, आप क्रेडिट में काम कर रहे हैं, एडवांस पेमेंट पर काम कर रहे हैं या सिक्योरिटी डिपॉजिट पे काम कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं, बहुत सारे व्यूवर्स हमसे पूछते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी या डिपॉजिट मनी मांगती है डिस्ट्रीब्यूशन देने के लिए, तो इसमें हर कंपनी नहीं मांगती, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, ये कंपनी की पॉलिसी होती है। कुछ कंपनी होती है जिनकी सेल हायर साइड में होती है, वो आपसे मांग सकती है, सिक्योरिटी मनी मांगती है, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी है जो नहीं मांगती। ये आप किस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं उसी पे निर्भर करता है।
लेकिन सिक्योरिटी चेक सब ही मांगते हैं। अगर किसी के चीज़ में आप पेमेंट नहीं दे पाते तो वो सिक्योरिटी चेक का इस्तेमाल करते हैं उसके चीज में। उम्मीद करते हैं कि आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो अच्छी लगी होगी। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे हम अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लिखते हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी है वहाँ पे भी। आप pharmafranchisehelp.com पे विजिट करके वहाँ पे पढ़ सकते हैं, वहाँ पे भी हमें रेगुलर रीडर बन सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं किसी क्वेरी या सजेशन के लिए, हमारी मेल आईडी है pharmafranchisehelp@gmail.com। थैंक यू।